हस्तशिल्प मेला का किया उद्घाटन। शहर के गांधी मैदान में हस्तशिल्प मेला का शुभारंभ जदयू के प्रदेश प्रवक्ता चंदन यादव व युवा शक्ति के जिलाध्यक्ष ओम यादव और संयुक्त रूप से फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उपस्थित अतिथियों का स्वागत बुके व शॉल देकर किया गया। मौके पर जदयू नेता चंदन यादव ने कहा कि गौरव का क्षण है, यहाँ हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया जा रहा है, कई दिनों तक चलेगा। यहाँ के आयोजकों ने हमें बुलाया और सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मेरे द्वारा ही उद्घाटन किया गया। हम जितनी भी सराहना करें वह कम है। मैं गया वासियों से भी आग्रह करूंगा कि गांधी मैदान में हस्तशिल्प मेला लगा हुआ है, उसे आकर देखें और यकीन माने कि इससे आगे गया शहर वासियों का मान बढ़ेगा और आपको भी अच्छी सामग्री खरीदने का मौका मिलेगा, क्योंकि इसी के माध्यम से लघु उद्योग को बढ़ाया जा सकता है। हमने भी विश्वास दिलाया है कि इस कार्य में लगातार तत्पर है कि लघु उद्योग को और बढ़ावा दिया जाए और संरक्षण दिया जाए, इसलिए सरकार के नीतियों के अनुरूप है। मैं इसकी सराहना करता हूं और मैं आयोजकों को काफी आभार व्यक्त करता हूं। जिलाध्यक्ष ओम यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि शहर में इस तरह का आयोजन होता रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों से भी आग्रह है कि हस्तशिल्प मेला का लुत्फ उठाएं और अधिक से अधिक खरीदारियां करें। मौके पर मेले का आयोजन मुकेश कुमार ने कहा कि 4 अगस्त तक चलने वाला मेला में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का वस्तुओं का केंद्र आकर्षण का बना हुआ है। इसके अलावा कई लजीज व्यंजन सहित सारनपुर के फर्नीचर, भागलपुरी साड़ी, कश्मीरी वस्त्र उपलब्ध है। प्रवीण ओझा, ब्यूरो समाचार, इंडिया न्यूज की रिपोर्ट। गया के लिए बहुत गौरव का क्षण है कि यहाँ हस्तशिल्प मेले का आज आयोजन किया गया। आज से लगातार कई दिन तक यहाँ चलेगा। यहाँ के आयोजकों ने हमें सूचना दिया और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे द्वारा ही उद्घाटन किया गया। हमारे भाई की मदद की गई। हम की जितनी सराहना करें वो कम है और गया वासियों से भी हम आग्रह करें कि हस्तशिल्प मेला जो यहाँ लगा हुआ है उनको आकर के देखें और यकीन माने इससे आपके गया शहर का मान बढ़ेगा और आपको भी अच्छी सामग्री खरीदने का मौका जरूर मिलेगा, क्योंकि इसी के माध्यम से लघु उद्योग को बढ़ाया जा सकता है। हमने भी विश्वास दिलाया है कि सरकार लगातार तत्पर है कि लघु उद्योग को और बढ़ावा दिया जाए और उसको संरक्षण दिया जाए। इसलिए सरकार के नीतियों का विरोध है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। आयोजकों का काफ़ी आभार भैया ओम भैया सब आए हैं और हम लोग एक हस्तशिल्प मेला का आज ओपनिंग किए हैं। इसमें आपको लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को हम लोग इस मंच के अंदर बढ़ावा दे रहे हैं। अब गया शहर में अगर कोई भी है हाथ से बना हुआ कोई भी आइटम आप घर पे बना रहे हैं वो आइए, हमारे पास स्टॉल है, उनको हम उपलब्ध कराएंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। कितना स्टॉल लगाया गया और क्या आकर्षण का केंद्र रहेगा आपका? हमारे अंदर मेले के अंदर में 100 स्टॉल लगाया गया है, जिसमें बिना पानी का कूलर है, बेड भी बनता है और सोफा भी बनता है, ऐसा है आपके इस मेले में। और झारखंड खादी ग्राम उद्योग से हमारे यहाँ खादी का भी स्टॉल आया है, राजस्थानी अचार आया है, बहुत सारे सहारनपुर के आए हैं कारीगर लोग, जो सोफा टेबल बहुत सारे आइटम लेके आए हैं। शहर के लोगों से क्या अपील करेंगे? शहर लोग के अपील करेंगे कि आइए मेला का लुत्फ उठाइए और हमारे रंगारंग कार्यक्रम का लुत्फ उठाइए। मुकेश कुमार, मेला कब से कब चलेगा बता दीजिए। ये आपका 22 तारीख से 4 तारीख तक चलेगा। समय 2 बजे से संध्या 10:30 बजे तक।